हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइना को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एन 09 का लेसन 13 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के बारे में। इस लेसन का मैं पार्ट 1 ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको एन 09 के प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं लेसन 13 का। आज की इस वीडियो के अंदर में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 के अंदर में हम एक टाइम पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं कि 1920 से लेकर 1930 का जो पूरा टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के बीच में किस तरह से क्रांतिकारी विचारधारा और गतिविधियां विकसित हुई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने बात किया कि भारत जैसे 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो ऐसा तो था नहीं कि रात ही रात में पूरा देश आजाद हो गया, एक ही रात में पूरा देश को आजादी मिलेगी। तो आजादी का जो संघर्ष रहा है, जो इतिहास रहा है, एक लंबा इतिहास है। ठीक है, इसके अंदर में काफी सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की बाजी दी। पर आज जब हम स्टडी करते हैं, भारतीय इतिहास को देखते हैं, तो कुछ गिने चुने चेहरों के पीछे हमारा जो इतिहास का संघर्ष है ना, आजादी का जो संघर्ष है, वो छुप के रह जाता है। तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर में तो उसको डिटेल से कवर किया ही था। फर्स्ट पार्ट का एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक सम अप हम करने वाले इस क्वेश्चन के अंदर में कि 1920 से लेकर 1930 का जो पूरा टाइम पीरियड था, जो पूरा गैप था एक दशक का, इसके अंदर में कौन कौन सी क्रांतिकारी जो विचारधारा थी, गतिविधियां थी, विकसित हुई, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और पीछे कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में भी पूछा गया, जिसके कारण से मैं अलग से एक पार्ट के अंदर में इस वीडियो को करवा रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि 1920 के दशक के उत्तरार्ध में भारी आर्थिक मंदी का समय था पूरे विश्व के अंदर में, भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर में, और जो भी वस्तुओं के दाम थे वो आसमान छूने लगे थे, महंगे हो गए थे। इसका रीजन क्या था? तो 1914 से लेकर 1917 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी पड़ रहा था। इसका रीजन ये था कि भारत कभी भी डायरेक्टली तो उस वॉर में इन्वॉल्व नहीं था कि डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो लड़ रहा है, वो अपनी सेना भेज रहा है, ऐसा नहीं था। पर उस समय हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे, जिसके कारण से हमें उनके लिए लड़ना पड़ा। और ब्रिटिश सरकार के ऊपर जैसे जैसे युद्ध का बोझ पड़ रहा था ना, युद्ध का कर्जा बढ़ रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत के ऊपर में उसका इम्पैक्ट डाला। इम्पैक्ट किस प्रकार से? टैक्स को बढ़ा दिया, नए नए तरह के टैक्स इंट्रोड्यूस किए, भारत के संसाधनों का दोहन किया, जिसके साथ साथ में भारत के ऊपर में आर्थिक मंदी का असर हमें देखने के लिए मिल जाता है 1920 के दशक में। और ऐसा नहीं था कि 1920 के ही अंदर शुरू हुआ, ये 1914-15 से ही शुरू हो चुका था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता चला गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो हमें भारत के ऊपर में देखने के लिए मिल जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे जो ऊपर क्लास है, अपर क्लास है, जिनके पास पैसा अच्छा था भारत के अंदर में, जो अच्छे वर्ग से बिलोंग करते थे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके ऊपर आर्थिक मंदी का कुछ उस तरह का असर नहीं पड़ा। पर जो श्रमिक वर्ग था, श्रमिक वर्ग का जीवन कष्टमय होता चला गया, क्योंकि उनका नॉर्मल सा डेली वेजेस के ऊपर में वर्क होता था, कमाए खाए और उस तरह से रहता था। और अंग्रेजों के द्वारा जो टैक्स का बढ़ाना, बाकी चीजों की जो चीजें थी, उसके कारण से उनके ऊपर में बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ हमें दिखता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि भारत के अंदर में जो बोल्शेविक क्रांति, मतलब जो रूस के अंदर में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर दिखने लग जाता है 1917 के अंदर में। ठीक है, 1917 के अंदर में वो रूस के अंदर में रशिया की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, रशिया की क्रांति हुई, जिसे हम अक्टूबर की क्रांति बोलते हैं, खूनी क्रांति भी बोलते हैं, बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उसकी वीडियो मैंने अलग से सेपरेट बना रखी है, दाइना के ऊपर में आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो देखें, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है रशिया के बारे में। उसके अंदर में क्या हुआ कि रशिया की जब क्रांति हुई 1917 के अंदर में, तो उसको हम बोल्शेविक क्रांति के तौर पर देखते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति के अंदर में जितने भी मजदूर थे, जितने भी किसान थे, वो उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके कारण से उसे मजदूर और किसानों की भी क्रांति कही गई। तो अब भारत के अंदर में क्या हुआ, जब मजदूरों का जीवन जब कष्ट में होता चला गया ना, जब उनके ऊपर प्रॉब्लम आई ना, तो कहीं ना कहीं वो इससे इंप्रेस हुए कि क्या पता हम भी अगर क्रांति करें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लेकर ना भारत के अंदर में कई सारे मजदूर संघ बनाए गए, जो मजदूरों के लिए आवाज उठाने लगे। इसका एक मोटिव ये भी था कि जैसे अमीरों के लिए, बाकी चीजों के लिए जो भी संघ बने हुए थे ना, उस समय जो भी संस्थाएं थी, जो भी एनजीओ थे, वो बाकी लोगों का तो आवाज उठाता था, पर मजदूर किसानों के लिए आवाज उठाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसके कारण से यहाँ पे मजदूर संघों का निर्माण किया जाने लगा। इसका ये हुआ कि अलग अलग जो पृथक पृथक जो मतलब लोग थे ना, अब उनका झुकाव अलग अलग विचारधाराओं की तरह होने लगा। कुछ लोगों का झुकाव साम्यवादी जो विचारधारा था, जो रूस के अंदर में 1917 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी और लोगों का झुकाव होता चला गया कि हम साम्यवादी विचारधारा को मानेंगे, इस तरीके से होने लगा। साम्यवादी विचारधारा के अंदर में क्या होने लगा कि वो समाजवाद को वो प्रमोट करते थे, वहां पे वो मजदूर किसान की बात करते थे, इक्वलिटी की बात करते थे, समानता की बात करते थे, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता की बात करते थे। तो उसके कारण से लोगों के अंदर में इसके लिए झुकाव ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है, और लोगों के अंदर में एक मतलब बढ़ता हुआ चला जाता है विचारधारा में, मतभेद यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है,
जैसे उस समय से पहले तक अगर आप देखोगे ना, तो भारत के अंदर में इस तरह की चीजें हमें देखने के लिए मिलती थी। एक विचारधारा था, राष्ट्रवाद की बात कर लो या किसी और की बात कर लो, तो एक सूत्र में आवाज निकलता था। पर 1917 के बाद यहाँ पे साम्यवादी जो विचारधारा था वो भी भारत के अंदर आ चुका था, उसका भी इंट्रोडक्शन हो चुका था। इसके अलावा 1926 से लेकर 1929 तक कई सारे युवा आंदोलन हुए, और उससे पहले तक अगर आप देखोगे, हिस्ट्री देखोगे, तो भारत के अंदर में युवाओं का उतना ज्यादा वो नहीं रहा था, ठीक है, इतना क्रेज नहीं था देश के लिए करने का। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता गया समय, उसके बाद युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भारतीय क्रांति के अंदर में पार्टिसिपेट किया और अंग्रेजों के साथ में लोहा लिया, ये हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब कई सारे युवा आंदोलन किए जाने लगे, इसमें पूर्णतः स्वतंत्रता की बात की गई, ठीक है, इसमें जो भी युवा आंदोलन किए जाते हैं, जो भी जिस तरह के भी आंदोलन थे, उसके अंदर में मांग क्या रखा गया कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई, पूर्ण सामाजिक की मांग रखी गई, आर्थिक परिवर्तन की मांग रखी गई अंग्रेजों के सामने में, कि हमें भैया आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सामाजिक जो पूर्ण सामाजिक जो चीजें हैं वो चाहिए, और आर्थिक परिवर्तन की मांग रखी गई। क्योंकि युद्ध का जो इम्पैक्ट था इनडायरेक्टली डायरेक्टली भारत के ऊपर में आर्थिक तौर पर बहुत बड़े स्तर पर देखा जा रहा था। यहाँ पे आगे हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दोनों ने पूर्ण आजादी के लक्ष्य स्वीकृति हेतु अभियान को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस के अंदर में दबाव के रूप में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग को आगे बढ़ाया। अब देखो, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, जैसी कांग्रेस की स्थापना हुई तो ऐसा अंग्रेजों का मोटिव नहीं था कि हम कांग्रेस की स्थापना करके भारत को आजादी दिलवा देंगे या कुछ और कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट था ना, जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई तो अंग्रेजों ने बनाया इसलिए कांग्रेस को, जिससे हम भारत के अंदर में होने वाली जो क्रांतिकारी गतिविधियां उसको दबा सकें, उसको हम अपने कंट्रोल में रख सके, इसके कारण से कांग्रेस का निर्माण किया गया। और कांग्रेस को निर्माण करने में कोई मतलब भारत के अंदर के लोग नहीं थे कि भैया जवाहरलाल नेहरू गए कि मैं सदस्य बन रहा हूँ, मैं संस्थापक हूँ, ऐसा नहीं था। सारे विदेशी लोग थे, उनके कहने पे ही, उनके इशारे पे ही उसका निर्माण किया गया, और कई सारे बुक्स के अंदर में आपको इसके प्रमाण मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा गया कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने आजादी को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण आजादी को प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया और कांग्रेस के अंदर में दबाव बनाना शुरू किया, उसके अंदर में एक इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग को आगे बढ़ाया कि ये कॉन्सेप्ट हमें आगे बढ़ाना चाहिए, इसके ऊपर में वहां पे जोर दिया जाने लगा। इस समय की अगर गतिविधियों के संबंध में लिखा जाता है कि 1928 का जो वर्ष था, राजनीतिक रूप से अल्पवर्षित वर्ष माना गया, ठीक है, 1928 का जो पूरा टाइम पीरियड था उसको यहाँ पे कहा जाता है, जिसमें पूरे देश में ढेर सारी गतिविधियां हुई, अलग अलग तरह की चीजें, मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिल जाता है। ट्रेड यूनियन आंदोलन स्वयं आगे बढ़ रहा था इस टाइम पीरियड के अंदर में, क्योंकि जो व्यापारी संघ था कहीं ना कहीं वो भी उसके इंपैक्ट में आ रखा था। इसके कारण से क्या होता है कि उग्र विचारधारा जो मजदूरों के बीच में थी वो चेतना के रूप में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। एक मतलब फ्लो इस तरह से हो चुका था ना क्रांतिकारी विचारधारा का, ठीक है, कि वो देश के लिए लड़ना है, मरना है, मिट जाना है, उस तरह की चीजें चल रही थी। पहले इतना ज्यादा नहीं देखा जा रहा था। जैसे आप देखोगे भारत की पूरी हिस्ट्री को पढ़ोगे स्वतंत्रता संग्राम को, तो सबसे पहला जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में हुआ। 1857 के बाद ना काफी समय तक ना पूरा एकदम सन्नाटा था, कुछ नहीं देखने के लिए मिला। पर आप ये कह सकते हो कि यहीं से एक मोमेंट मिला जहां पे जो भारतीय लोग थे उनके अंदर में विश्वास आया कि हम अंग्रेजों के लिए खड़े हो सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, अंग्रेजों के लिए नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और हम भारतीय होकर अंग्रेजों को डटकर मुकाबला कर सकते हैं, हरा सकते हैं, ये चीजें आ गई। इससे पहले और इसके बाद का कुछ टाइम पीरियड ऐसा देखने के लिए मिलता है कि भारतीयों ने गुलामी एक्सेप्ट कर ली थी कि चलो भैया हम गुलाम है, पर यहाँ से धीरे धीरे समय बदलता है और युवाओं के अंदर में जो क्रांतिकारी विचारधारा होती है ना वो विकसित होना शुरू हो जाती है, उस तरीके से आगे बढ़ता है और पूरे भारतीय जनमानस तक वो विचारधारा पहुंचती है, तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। तो जो मजदूरों की भी जो विचारधारा थी उसके अंदर में भी उग्र विचारधारा का हमें देखने के लिए मिलता है, उसका चेतना का विकास होता है, उग्र विचारधारा की चेतना का हमें विकास देखने के लिए मिल जाता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचता है, ठीक है, इसके जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, जिसके कारण से जो भारतीय राजनीति के अंदर में इसका विरोध किया जाता है। यह भारतीय राजनीति की स्थिति को रिपोर्ट करने की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था कि भारत के अंदर में किस तरह का कंडीशन है, क्या चीजें हैं, उसके बारे में यहाँ पे इसको रिपोर्ट करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी व्यूवर से, जो भी हमारे दाइनअप का परिवार का हिस्सा है, हमारा दाइनअप का परिवार 60,000 के करीब में पहुंच चुका है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं जो हमें जुड़ रखे हैं उन सबका धन्यवाद आप सभी व्यूवर्स का। जो लोग अभी तक हमारे दाइनअप परिवार का हिस्सा नहीं बने तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दाइनअप परिवार का हिस्सा बनिए, ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इस 60,000 के नंबर को आप 1,00,000 तक पहुंचाइए, जिससे हम और ज्यादा मोटिवेटेड हो सके, हम और अच्छे से मेहनत कर सके और आप तक अच्छी क्वालिटी की वीडियोस, अच्छे टॉपिक्स के साथ में अच्छे तरीके से हम पढ़ा सके और आप तक वीडियो पहुंचा सके। तो जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं अगर अभी तक उन्होंने लाइक से सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले लाइक से सब्सक्राइब कर लें, देन हम आगे बढ़ने वाले हैं।
द इनफ के ऊपर मैं आपको एमए हिस्ट्री से रिलेटेड और बाकी जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लो, इग्नू की बात कर लो, अदर जो वीडियोस हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको नव इन्फो के ऊपर में इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपके एग्जाम की असाइनमेंट की, वो सारा आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलने वाला है। तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे आप अपडेटेड रहें हर न्यूज से, हर चीज से, हर टॉपिक से आप अपडेटेड रहें। और अगर आपको एमए हिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो आप डायरेक्टली गूगल ब्लॉगर पे जा सकते हैं या क्वेरा पे जा सकते हैं। गूगल ब्लॉगर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां पर आपको एमए हिस्ट्री का नोट्स फ्री में, कोई पैसे बिना कुछ नहीं करना, इस वीडियो का भी जो नोट्स है आपको वहां पे गूगल ब्लॉगर पे मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूं तो इस आयोग का जो यहां पे साइमन कमीशन था, इसका मेन मोटिव क्या था कि भारत के अंदर में राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की, उसको रिपोर्ट करना, उसका समीक्षा करना, जिसके लिए यहां पे साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया। साइमन कमीशन के अंदर में जितने भी लोग थे, जो भी सदस्य थे, सारे अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था, जिससे देश के जो सभी राजनीतिक दल थे उसके अंदर में कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि हमारे राष्ट्रीय गरिमा या फिर हमारे लिए फैसला करना हमें ही उसमें नहीं रखा गया, कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक ना अपमान की भावना आ गई थी कि हमारे राष्ट्रीय गरिमा का अपमान करा जा रहा है, ये चीजें लोगों के मन में थी। जिसके बाद क्या होता है कि मुंबई के अंदर में, जैसे बंबई के अंदर, बॉम्बे ही पहुंचता है साइमन कमीशन, तो वहां पे हड़ताल का निर्णय लिया जाता है, बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है कि हम साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे। बॉम्बे में इस आयोग का स्वागत हड़ताल से किया जाता है और साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। कई स्थानों पर पुलिस और जनता के बीच में झड़प होती है, मुठभेड़ होती है, जहां पे कई सारे आगजनी और बाकी घटनाएं देखने के लिए हमें मिल जाती है। लाहौर में साइमन कमीशन की जो विरोधी प्रदर्शन था उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया, वहां वे पुलिस के डंडे से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने क्या किया, लाला लाजपत राय को जब वो लाहौर में साइमन कमीशन के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसके खिलाफ में, तो पुलिस ने वहां पे डंडा चार्ज किया, लाठी चार्ज किया, जिसके बाद लाला लाजपत राय की वहां पे लाठी चार्ज के अंदर में मृत्यु हो जाती है। इसके कारण से क्या होता है कि जैसे ही लाला लाजपत राय, एक ऐसा छोटा मोटा नाम नहीं था कि बस ऐसे ही है, लाला लाजपत राय अपने आप में एक मान लो बहुत बड़ा नाम था, हमारी स्वतंत्रता संग्राम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आज के समय में हम ज्यादातर जो बच्चे हैं, यंग जो यूथ है, शायद उनको नहीं जानता होगा उतना ज्यादा उनके बारे में नहीं पढ़ता होगा, पर उनकी मृत्यु ना भारत के अंदर में एक आक्रोश की तरह फैल जाती है। गुस्सा था लोगों के अंदर में कि बस अब हम कुछ भी कर लेंगे, इनका बदला लेंगे, ये चीजें आ जाती है। यहाँ पे HSRA के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि स्क्वाट नामक उस व्यक्ति की हत्या कर देंगे जो उस दिन जो पुलिस अधिकारी था वो घटनास्थल पर मौजूद था, जो मेन अधिकारी था जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया या जो भी चीजें था, उस अधिकारी की हम हत्या कर देंगे जिसने लाला लाजपत राय को मारा। ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया, तो HSRA के द्वारा ये निर्णय लिया गया। अब ये होता क्या है, तो पार्ट वन की वीडियो मैंने डिटेल में बता रखा है, तो वहां पर उस जाकर देख के डिस्क्रिप्शन में MHNIM की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाएं और लेसन 13 के पार्ट वन को देखें जहां से आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब आगे मैं बताऊं तो जो भी इसके डिप्टी थे, मतलब इसके बाद में डिप्टी सार्डर्स ने 17 दिसंबर 1928 के दिन हत्या कर दी गई, ठीक है। मतलब इसके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला किस तरीके से लिया गया, तो 17 दिसंबर 1928 को ये जो स्क्वाड करके था ना, सार्डर्स स्क्वाड, इसकी हत्या कर दी जाती है। और HSRA के जो लोग होते हैं, अंग्रेजों के द्वारा लाल पर्ची बांटी जाती है, अंग्रेजी में लिखी हुई लाल पर्ची बांटी जाती है, जिसमें लिखा होता है कि नौकरशाही को सतर्क किया जाता है, इस तरीके से लिखा था। नौकरशाही क्यों यहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि जितने भी अधिकारी थे, जो भी उस समय वहां पे जो अफसर थे, एक तरह से कहीं ना कहीं वो नौकरशाही थे, जहां पे वो भारत के अंदर में वो कार्य कर रहे थे, और वो अपना आया नहीं कि उनका इच्छा था, खुद का इच्छा था जिसमें वो कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, जो भी ऊपर का हाई कमांड का ऑर्डर था उसको फॉलो कर रहे थे, जिसके कारण से जो ये ग्रुप था HSRA, इसके द्वारा क्या किया गया, अंग्रेजी में लिखी हुई लाल पर्ची बांटी गई जिसमें ये लिखा गया कि नौकरशाही सतर्क किया, न तो नौकरशाही को सतर्क किया जाता है, इस तरीके से चीजें लिखी गई थी। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिरोध में जेपी था सार्डर्स, उसकी हत्या कर दी जाती है। और HSRA के जो नेटवर्क था, गवर्नर जनरल था, उन्होंने कड़े कदम उठाए, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन बिल को पारित करने के लिए असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई। यहाँ पे देखो, नॉर्मली पहले तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला किस तरीके से लिया गया, यहाँ पे जो ये मतलब डिप्टी जनरल था जेपी सार्डर्स, उसको यहाँ पे मार दिया गया, ठीक है, डिप्टी को मार दिया गया, यहाँ पे जेपी सार्डर्स को हत्या कर दी गई। उसके बाद में HSRA ने क्या किया, गवर्नर जनरल जो भी उसके थे, उन्होंने मतलब जो पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया, ट्रेड यूनियन बिल लाया गया, उसको पारित करने से रोकने के लिए असेंबली हॉल के अंदर में बम फेंकने की योजना बनाई गई कि हम असेंबली हॉल को उड़ा देंगे, ना रहेगा असेंबली हॉल, ना बिल पास होगा, ये चीजें यहाँ पे की जाने लगी। वे दिखाते हैं, मतलब यहाँ पे वो जताना चाहते थे, सरकार को ये दिखाना चाहते थे कि सरकार बहुमत की आवाज की उपेक्षा कर सकती है, जो भी सरकार, मतलब जैसे देखो
यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट थी, जिस तरह की भी गवर्नमेंट थी ना, वो क्या है? मतलब जो भारतीय मूल भारतीय लोग थे, जिनका बहुमत था, जहाँ पे जिनकी ज्यादा सबसे ज्यादा आवाज थी भारत के अंदर में, उन्हीं की आवाज को दबाया जा रहा था, उनकी चीजों को नहीं सुना जा रहा था। अगर मान के चलो, सपोज करो कि एक घर है या एक हॉल है, एक हॉल मान लेते, एक रूम है जिसके अंदर में टोटल 100 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, टोटल 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 में से मान लो 80 लोग चाहते हैं कि ये रूल पास हो, इस तरीके से बने, पर 20 लोग चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, और 20 लोगों की बात मानी जाए, 80 लोगों की बात ना मानी जाए, तो इसके कारण से ना वो सरकार को जताना चाहते थे कि आप हमारी जो बहुमत की आवाज है ना, जो ज्यादातर जनता चाहती है, उसकी आवाज की उपेक्षा कर रहे हो। और गवर्नर जनरल को शक्तियों का सहारा लेकर, ठीक है, अधिनियम को पारित कर सकती थी, जो गवर्नर जनरल था वो पारित कर सकती थी, जिसके कारण से ना जो ये ग्रुप था HSRA, वो उन्हीं के भाषा में जवाब देना चाहता था कि भैया आप इस तरह तो समझोगे नहीं, आप अपनी मनमानी कर रहे हो, बहुमत की जो आवाज है उसकी उपेक्षा कर रहे हो, तो जिस भाषा में आप समझने के लिए रेडी हो हम उसी भाषा में आपको जवाब देंगे। तो ये चीजें यहाँ पे चलते हुए देखी जाती है। आगे मैं बात करूं तो ये अधिनियम मजदूरों और क्रांतिकारियों के लिए सत्ता प्रतिष्ठान के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष को दमन करने के लिए लाया गया था। ये दोनों अधिनियम इस तरीके से था कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां भारत के अंदर में हो रही है उसको दबाया जा सके, उसका दमन किया जा सके, इस कारण से ये अधिनियम को पास किया जा रहा था। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में भगत सिंह और बीबी दत्त ने, बीके दत्त ने बम फेंका। भगत सिंह को आप सब जानते हो, बीके दत्त को जानते हो, उन्होंने बम फेंका। बम का धमाका से पूरा असेंबली हिल गया, तो वे दोनों घटनास्थल पर ही खड़े रहे, फलस्वरूप गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। 12 जून 1929 को आजीवन कारावास की सजा दी गई और जेपी ट्रासाडर्स की हत्या के आरोप में लाहौर षड्यंत्र कांड के अंदर में मुकदमा चलाया गया, जो 2 वर्ष तक चला। सामान्य लोगों ने सभी राजनीतिक कैदियों को रहने के लिए सुविधाओं की मांग करी कि जो भी राजनीतिक कैदी बनाए गए हैं, जो भी पॉलिटिकल के तौर पर वहां पे कैदी के रूप में रखा गया है, उनको सारी सुविधाएं एटलीस्ट दी जाए, इस तरह की डिमांड भी की जाने लगी। 23 मार्च 1931 को सतलुज नदी के किनारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जिस दिन फांसी दी गई, उस दिन को हम किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और कौन सा तारीख था। तो जो भी स्टूडेंट जिनको पता है, वो इस वीडियो के अंदर में भी सेम क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट को पता है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जिस दिन फांसी दी गई, उसको हम किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे ही इनको फांसी हुई सतलुज नदी के किनारे 23 मार्च 1931 को, उसके बाद जो क्रांतिकारी जनता थी उसके मतलब वो क्रांतिकारी जनताओं की नजरों में तो अमर हो गए, भैया तो अमर हो गए, ठीक है, शहीद हो गए, अमर हो गए, और क्रांतिकारी जनताओं के अंदर में ना आक्रोश की भावना छा गई कि अब तो हम भगत सिंह ही बनना है सबको, ठीक है, अब जो होगा मर जाएंगे, हम कफन बांध के चलेंगे। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे देखा जाने लगा। लाहौर की अगर बात करोगे तो लाहौर षड्यंत्र के समय में जो बंगाल के सूर्य सेन थे, उन्होंने एक क्रांतिकारी कार्यवाही की योजना बनाई कि हम इसका बदला लेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, चिटकांग शस्त्रागार पर छापे का नाम से, जो उनका क्रांतिकारी योजना था वो चिटकांग शस्त्रागार छापे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अंदर में क्या किया उन्होंने कि 1930 को सूर्य सेन ने टेलीग्राम ऑफिस और टेलीफोन एक्सचेंज जो ऑफिस था उस पर कब्जा कर लिया, और कलकत्ता और ढाका से जुड़ने वाली जितने भी संचार की लाइनें थी उसको काट दिया उन्होंने। फलस्वरूप क्या हुआ कि 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और शस्त्रागार छापे कांड के अंदर में सूर्य सेन और दस्तेदार को मौत की सजा सुनाई गई और जो भी बाकी अन्य साथी थे उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। आगे मैं बताऊं तो आपको 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी जाती है। उनका जो अंतिम संदेश था कि आदर्श और एकता तथा एक स्वप्न स्वप्न स्वतंत्र भारत का स्वप्न, ठीक है, आदर्श और एकता की बात करते थे वो, अपना एक स्वर्णिम स्वप्न मतलब एक गोल्डन सपना के तौर पे, एम के तौर पे देखते थे, ड्रीम के तौर पे देखते थे। ड्रीम क्या था कि स्वतंत्र भारत हो, उसका सपना वो देखते थे। ये उनका अंतिम संदेश था भारतवासियों के लिए और यहाँ पे हमारा ये वीडियो एंड होता है। इसके अंदर में नॉर्मली जो एक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसके कारण से मैंने ये पार्ट टू की वीडियो अलग से बनाई, क्योंकि जो लेसन 13 था वो ऑलरेडी कल के वीडियो के अंदर में खत्म हो गया था, पर पार्ट टू की वीडियो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि 1920 से लेकर 1930 का जो पूरा टाइम पीरियड था, एक दशक का, 10 साल का जो पूरा टाइम पीरियड रहा, इसके अंदर में ही ये मूवमेंट्स रहे, छोटे छोटे मूवमेंट्स किए गए, जहां से अंग्रेजों की जो नींव थी ना वो हिलना शुरू हो चुका था। इन्हीं के बीच में कई सारे मूवमेंट्स किए गए जो मैंने अभी तो यहाँ पे बताया नहीं, जैसे आपका इसमें देखोगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाता है, उसका इम्पैक्ट आ जाता है, रॉयल अटैक आ जाता है, ठीक है, बाकी चीज जनरल डायर के ऊपर में जो कार्रवाई होती है, हंटर आए हुआ रहता है, उसका भी इम्पैक्ट लोगों पे किस तरीके से पड़ा, उसके कारण से क्या चीजें की गई, वो सब भी आता है, पर मैंने यहाँ पे उसको तो लिया नहीं है, उसको बताया नहीं है, पर आप इस क्वेश्चन के अंदर में उसको भी ऐड कर सकते हो, जो आपको पार्ट वन के अंदर मैंने डिटेल में करवा रखा था, ठीक है। बट यहाँ पे वीडियो खत्म होती है अपनी, और रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में सभी व्यूवर से, हमारे दयानंद के परिवार से,
आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जो हमारा नंबर है, जो हमारे सब्सक्राइबर का नंबर है, अभी 7,000 के करीब में है, आप इसको जल्दी से जल्दी 1,00,000 के करीब में पहुंचाएं, 1,00,000 बनाएं। और आपके सहयोग के बिना तो ये हो नहीं सकता। जो भी लोग हैं ना, जो अभी तक हमारे दाइना परिवार का हिस्सा नहीं बने, वो हमारे दाइना परिवार का हिस्सा बने और हमारे दाइना के परिवार को 7,000 से 1,00,000, 10,00,000 जितना भी है उस नंबर तक पहुंचाएं। और दाइना के ऊपर मैं जितने भी आपकी एकेडमिक कोर्स से रिलेटेड वीडियोज है, चाहे बीए की बात करो, एमए की बात करो, किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो, अगर आपको माइंड में कोई टॉपिक है कि मुझे इस पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी वीडियोस मिलने वाली है, नव इन्फो पे जितनी भी कॉलेज से रिलेटेड अपडेट है वो मिलने वाली है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर तरीके का अपडेट आपके लिए वहाँ पे मिलता रहेगा टाइम से। नोट चाहिए एमए हिस्ट्री का तो डायरेक्ट गूगल ब्लॉगर पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल ब्लॉगर का, वहाँ से आपको एमए हिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, जैसे मान लो एमएचआई 8 है, एमएचआई 9 है, एमएचआई 10 है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, डायरेक्टली आपको टैब वहाँ पे ऊपर में टैब बना हुआ है कि एमएचआई 9, एमएचआई 10, उसको सेलेक्ट करो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपना प्रॉपर नोट्स वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और इस चैप्टर का नोट्स भी अपलोडेड है तो वहाँ पे जाकर वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।